स्वागत है फिजिक्स की क्लास में आपका। आज हम पढ़ेंगे आरएल परिपथ। पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है तब धारा और वोल्टता की समीकरण क्या होती है, एल जब जुड़ा होता है प्रेरकत्व जुड़ा होता है तब धारा और वोल्टता की समीकरण क्या होती है, और सी जब जुड़ा होता है तब धारा और वोल्टता की समीकरण क्या होती है। तो आज अपन देख रहे हैं आर और एल दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो धारा और वोल्टता की इक्वेशन क्या होगी, इसका फेजर ग्राफ क्या होगा, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो अपन जानते हैं जब आर जुड़ा होता है तो वोल्टता और धारा की समीकरण क्या होती है। यहाँ मैं आर जुड़ा है तो वोल्टता और धारा की समीकरण लिख रहा हूँ। जब प्रतिरोध जुड़ा हो और जब प्रतिरोध जुड़ा होता है तो वोल्टता की इक्वेशन होती है ई आर। आर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे प्रतिरोध। ई बराबर हो जाएगा आपका ई नोट साइन ओमेगा टी, और आई था आपका आई नोट साइन ओमेगा। मतलब धारा और वोल्टता में कोई फेस डिफरेंस नहीं होता है। कब? जब शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है। लेकिन जब प्रेरकत्व जुड़ा होता है, जब प्रेरकत्व जुड़ा हो तब वोल्टता की इक्वेशन और धारा की इक्वेशन, वोल्टता की इक्वेशन होती है आपकी ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और धारा की इक्वेशन होती है आई नोट साइन ओमेगा टी। कब की बात कर रहा हूँ? जब शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा होता है तब धारा की इक्वेशन तो दोनों में सेम कंडीशन में, लेकिन वोल्टता की इक्वेशन देखें तो प्रेरकत्व में वोल्टता जो है वो आगे है एज कंपेयर टू प्रतिरोध के केस में। तो इन दोनों के आधार पर अपन यहाँ पर क्या बना सकते हैं, फेजर ग्राफ बना सकते हैं। इन दोनों समीकरण या कंडीशन के आधार पर अपन इनका फेजर बना देते हैं। तो फेजर की कंडीशन में क्या है, आर के सिरे वोल्टता पता नहीं है मतलब कितना, एल के सिरे वोल्टता पता कितना, ई एल मतलब इतना, तो यहाँ पे करंट कितनी। तो करंट की इक्वेशन अपन जानते हैं जब दो सीरीज में जुड़े रहते हैं, कोई अवयव एलिमेंट जुड़े रहते हैं तो धारा का मान क्या रहता है, सेम होता है। वोल्टता दोनों में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पे धारा की वैल्यू देखो इक्वल आ रही है और वोल्टता की वैल्यू दोनों अलग अलग आ रही है। अपने को ये देखना है कंबाइंड वोल्टेज कितना है, दोनों में कंबाइंड वोल्टेज कितना और टोटल फेज डिफरेंस कितना है जब ये दोनों अवयव जुड़े हुए हैं। तो इसका बनाते हैं अपन फेजर ग्राफ। सीधा फेजर पे आते हैं और फेजर की मदद से परिणामी वोल्टता निकालते हैं। फेजर ग्राफ, फेजर ग्राफ के लिए क्या करना है आपको, वाई एक्स और एक्स एक्स लेना है। तो वाई एक्स और एक्स एक्स, सबसे पहले अपन आर की बात करते हैं। तो प्रतिरोध में जो प्रतिरोध के लिए जो वोल्टता है आपकी वो जीरो से स्टार्ट होती है और करंट है वो भी जीरो से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वोल्टता का अधिकतम मान जिसे ई नोट कहने का, और ये धारा के अधिकतम मान को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको अपन कह रहे हैं आई नोट। कितने एंगल पे चुके हुए हैं दोनों, तो दोनों हैं आपके ओमेगा टी। यहाँ रिप्रेजेंट करवाने के लिए अपन कह सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, और किसके लिए, आर की बात कर रहे हैं यहाँ पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू। इससे अपने को आसानी रहेगी कि प्रतिरोध की बात करें आर लिखने के लिए, और दोनों कौन से माने आपके मैक्सिमम माने। अब मैक्सिमम मान को अपन ई नोट से रिप्रेजेंट करें, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ई नोट, और यहाँ पर मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन आई नोट से, इसलिए लिख रहा हूँ आई नोट। अब प्रेरकत्व की बात करते हैं, तो आई की इक्वेशन तो ओमेगा टी थी, मतलब जीरो से स्टार्ट हो रहा है आई, तो आई जो स्टार्ट हो रहा है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब ई एल को देखते हैं तो वो आई से पाई बाई टू एंगल आगे है। तो आई से पाई बाई टू एंगल आगे, इसका मतलब ये इस तरफ होगा। इसकी बात कर रहे हैं अपन, ई एल की बात कर रहे हैं, और वो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल। इस प्रकार अगर करंट को देखोगे तो यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो जीरो से स्टार्ट है, करंट की इस केस में भी जीरो से स्टार्ट है, लेकिन वोल्टता जो है वो आगे की तरफ है। अब अपन देख सकते हैं ये जो कलांतर है दोनों का वो कितना है, पाई बाई टू है। तो ओवरऑल कलांतर अगर देखें तो एम एल मतलब वोल्टेज किसका, प्रेरकत्व का, ई नॉट आर किसका, प्रतिरोध का, दोनों के बीच में कलांतर पाई बाई टू है। तो इसका टोटल वोल्टेज कितना है, तो टोटल वोल्टेज की अगर बात करें अपन तो एक नियम था समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है यहाँ बताता हूँ। जब दो कोई सदिश जुड़े हों, ये पी सदिश होता है और ये क्यू सदिश होता है,
जब कोई दो सदिश किसी एंगल पे झुके हुए हों थीटा एंगल पे, तो इन दोनों सदिश का जो परिणाम में होता है वो इनके कटान बिंदु से गुजरता है, उस परिणामी सदिश को अपन कहते हैं आर। तो यहाँ पे परिणामी सदिश क्या है? आर। सेम यहाँ पे वोल्टता और धारा को सदिश के रूप में निरूपित कर रहे हैं अपन, तो वोल्टता और धारा का भी क्या होगा? कटान बिंदु से इसका परिणामी वोल्टता निकलेगी। तो परिणामी वोल्टता का नाम अपन रख रहे हैं ई आर एल है, तो इसको लिख देंगे अपन ई आर और ये अपना अधिकतम वैल्यू चल रही है, तो ई नॉट। अब अपने को ई आर एल निकालना है, क्योंकि इस समीकरण में आर और एल टोटल जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा आपका ई आर एल, और इसी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना। तो आर एल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ अपन एक समांतर चतुर्भुज का नियम यूज कर रहे हैं। समांतर चतुर्भुज के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ओ नाम दे दीजिए ए और बी, इसको नाम दे दीजिए सी। इस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है ओ ए बी सी, इसमें अपने वैल्यू निकालनी ई आर एल। तो समांतर चतुर्भुज के अकॉर्डिंग ई आर एल इक्वल टू रूट ऑफ, समांतर चतुर्भुज का नियम ये होता है आर बराबर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस थीटा। तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है आपकी? पी की वैल्यू अपने पास में ई नॉट आर, स्क्वायर क्यू की वैल्यू कितनी है अपने पास में ई नॉट एल स्क्वायर, और टू पी क्यू, टू पी की वैल्यू है आपके पास में ई नॉट आर ई नॉट एल साथ में कोस थीटा। इन दोनों के बीच, दोनों सदिशों के बीच में एंगल थीटा होता था, एक सदिश ये रहा एक सदिश ये रहा, दोनों के बीच में एंगल कितना है पाई बाई टू, और कोस पाई बाई टू की वैल्यू जानते हैं अपन कितनी होती है, जीरो होती है। तो इसको सोल्व करते हैं ई आर एल इक्वल टू मिल जाता है अपने को रूट का ई नॉट आर स्क्वायर प्लस ई नॉट एल स्क्वायर। अब यहाँ अपने को एक बात ध्यान रखनी है, अपन ने पहले ही पढ़ा था ई नॉट आर मतलब प्रतिरोध के लिए अगर बात करें तो वैल्यू मिलती है अपने को आई आर। प्रतिरोध के लिए वोल्टता देखें तो ई बराबर आई आर ओम्स लॉ से, तो ये मिल जाएगा आपको आई आर। सेम अगर प्रेरकत्व के देखें तो ई नॉट एल मिलता है आपको आई एक्स एल। यहाँ पे एक्सएल क्या होता है? प्रेरणिक प्रतिघात होता है, जो एक प्रकार का प्रतिरोधी होता है। ये दोनों वैल्यू इनपुट करते हैं यहाँ पे, तो ई आर एल इक्वल टू मिलता है अपने को, इसकी वैल्यू पुट हो जाती है आई आर, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ई नॉट एक्सएल, तो आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर। यहाँ से अपने को आई स्क्वायर कॉमन लेने से आई बाहर आ जाता है और ये मिलता है अपने को आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अपने को तो करंट की बात करनी है या टोटल प्रतिरोध की बात करनी है, तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा इसको डिवाइड करते हैं, टोटल प्रतिरोध मिल जाएगा अपने को, डिवाइड करते हैं इसको, तो ये मिलता है आपको ई आर एल बटा आई इजिकल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है वोल्टता बटा धारा, ये होता प्रतिरोध, और यहाँ प्रतिरोध को लिखते हैं प्रतिबाधा से, इम्पीडेंस टोटल जेड। खाली प्रतिरोध होगा तो आर से लिखते हैं, प्रेरकत्व होगा तो प्रतिरोध क्या होगा आपका एक्सएल होगा, और दोनों कंबाइन जब है तो उस प्रतिरोध को क्या बोलते हैं अपन जेड बोलते हैं। तो जेड इक्वल टू आ गया अपने पास में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। यहाँ जेड जो है वो आपकी प्रतिबाधा है, जेड तो मिलती है अपने, इसको कहते हैं अपन प्रतिबाधा, जेड बराबर प्रतिबाधा। प्रतिबाधा जो होता है एक प्रकार का प्रतिरोधी होता है, तो इसका मात्रक जो हो जाएगा वो वही होगा जो प्रतिरोध का है, ओम हो जाएगा इसका मात्रक, ठीक है ओम। जेड प्रतिरोधी तो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम ही होता है। तो यहाँ से अपने को मिलती है जेड की इक्वेशन। यहाँ जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इन दोनों का टोटल प्रतिरोध कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो इसके आधार पे इसका प्रतिबाधा वक्र भी बनता है, जिसमें आर और एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे बनाते हैं बनाएंगे। उससे पहले यहाँ अपन बात कर लेते हैं धारा की इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं जो बेसिक धारा थी वो आई नोट थी, और बेसिक प्रतिरोध वाली क्या थी ई नोट आर थी। परिणामी जो वोल्टता मिल रही है अपने को उसका नाम अपन ने आर एल रखा है, वो इस धारा से कितना आगे चल रहा है, माना कि वो फाई आगे चल रहा है। इस धारा से कितना आगे चल रहा है, फाई आगे चल रहा है। तो ये फाई मतलब कलांतर है, किसके बीच में कलांतर है, परिणामी वोल्टता और धारा के मध्य।
धारा और परिणाम में वोल्टता के मध्य कलांतर कितना है? फाइव। उस कलांतर की कैलकुलेशन करने के लिए अपने को यहाँ पे प्रतिबाधा वक्र बनाना पड़ेगा। तो पहले अपन बना लेते हैं प्रतिबाधा वक्र, प्रतिबाधा वक्र, इम्पिडेंस ग्राफ। तो प्रतिबाधा वक्र बनाने के लिए एक्स जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा प्रतिरोध को, एक्स जो है वो प्रतिरोध को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही देख सकते हैं ई बराबर आई आर है, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको आर, और वाई एक्सिस जो रिप्रेजेंट करता है आपको एक्सएल को रिप्रेजेंट करता है। और आर और एक्सएल की बात करें तो इनके बीच में, आर और एक्सएल के बीच में क्या मिलता है आपको? प्रतिबाधा मिलती है, जिसको बोलते हैं अपन जेड। और ये कितने एंगल पे है जेड? तो फाइव एंगल पे, इसको बोलते हैं अपन प्रतिबाधा। और जेड की वैल्यू अपने पास है जेड इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब यहाँ फाइव निकालना है अपने को, तो फाइव कलांतर है। फाइव कलांतर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, एक त्रिभुज को एज्यूम कर लेते हैं ओ ए बी एंड ट्राइंगल। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी थीटा के सामने परपेंडिकुलर लंब, 90 के सामने कर्ण हाइपोटेन्यूस, और जो बचेगा वो बेस आधार। आपको फाइंड करना है फाइव, और आपके पास में वैल्यू किसकी है? आधार की वैल्यू है आर, और लंब की वैल्यू कितनी है? एक्सएल। तो लंब और आधार का जो रिलेशन होता है वो टेन थीटा होता है, थीटा की जगह फाइव चल रहा है, लंब बटा आधार। लंब की वैल्यू है आपकी लंब बटा आधार, लंब की वैल्यू आपके पास में एक्सएल है और आधार की वैल्यू आपके पास में आर है। तो यहाँ पे टेन फाइव इक्वल टू मिलता अपने को एक्सएल बटा आर। चाहे तो अपन एक्सएल की वैल्यू रख सकते हैं, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल बटा आर। इस प्रकार अपने को यहाँ से क्या मिलता है? टेन फाइव। फाइव है वो कलांतर, ये तो टेन के रूप में मिला अपने को, तो इसी से आगे अपन फाइव निकाल सकते हैं। फाइव इक्वल टू मिल जाएगा अपने को टेन इनवर्स ओमेगा एल बटा आर, जहाँ पे ओमेगा जो है वो फ्रिक्वेंसी है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी कोणीय आवृत्ति, एल जो प्रेरकत्व है, और आर क्या है यहाँ पे प्रतिरोध की वैल्यू। इस आधार पर अपन कलांतर भी निकाल दिया। अब बात करते हैं अपन परिणामी, परिणामी जो इक्वेशन आई है उसके तरंग ग्राफ क्या होगी, परिणामी इक्वेशन का तरंग ग्राफ क्या होगा उसको अपन देखते हैं। तो तरंग ग्राफ के लिए सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा करंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओमेगा टी से, और परिणामी वोल्टता है वो ओमेगा टी से भी आगे कितना आगे, फाइव आगे। यहाँ पे फाइव एंगल अपने को पता नहीं है कितना है, तो तरंग ग्राफ बनाते परिणामी। पहले परिणामी धारा व वोल्टता के समीकरण लिख देते हैं, वोल्टता के समीकरण। परिणामी धारा, परिणामी धारा तो वही चल रही है, कितने एंगल पे चुकी है, ओमेगा टी। तो आई जो है वो आई नोट साइन ओमेगा टी है परिणामी धारा। तो लेकिन जब परिणामी वोल्टता की अपन बात करते हैं, ई आर एल की जब बात कर रहे हैं, वो ई आर एल इस आई से भी आगे, कितना आगे, फाइव कोण आगे। तो ये मिल जाएगा अपने को ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये जो फाइव है वो कलांतर है किसके बीच में, धारा और परिणामी वोल्टता की, उसकी वैल्यू अपन इस सूत्र से फाइंड आउट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी अपने को बनानी वेवफॉर्म, वेवफॉर्म बनाने के लिए y एक्सिस और x एक्सिस। यहाँ पे करंट जो स्टार्ट हो रहा है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो मान लेते हैं करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, करंट की इक्वेशन होगी। लेकिन जब वोल्टेज की इक्वेशन देखते हैं अपन, वोल्टेज की इक्वेशन है वो ओमेगा टी प्लस फाइव, करंट से भी फाइव जो है वो आगे स्टार्ट हो रहा है, आगे का मतलब पहले से वोल्टेज चल रहा है, तो वोल्टेज पहले से चल रहा है, माना कि यहाँ से चल रहा है, कितना आगे चल रहा है आपका, फाइव आगे चल रहा है। वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होती है और करंट की वैल्यू कम होती है। इस प्रकार ये जो एंगल मिल रहा है अपने को वही दिखता है फाइव, ये करंट की इक्वेशन हो, करंट का वेवफॉर्म हो गया, और ये आपकी ई आर एल की वेवफॉर्म। इस प्रकार से अपने को तरंग मिलती है। आज अपन ने देखा है कि आर एल परिपथ में कैसे इक्वेशन मिलती है वोल्टता और धारा की, और कैसे अपन निकालते हैं प्रतिबाधा, फेजर ग्राफ कैसे निकालते हैं, उसके बाद में फेजर ग्राफ के बाद में प्रतिबाधा की इक्वेशन क्या आती है, प्रतिबाधा के बाद में प्रतिबाधा वक्र क्या होता है, प्रतिबाधा वक्र से क्या आएगा आपका कलांतर आ जाएगा, और कलांतर के बाद अपन परिणामी धारा और वोल्टता में ग्राफ खींच सकते हैं। इस प्रकार हमने ये टॉपिक कम्प्लीट किया।